देखिए दोस्तों, अब हम लोग वियतनाम से निकल रहे हैं इंडिया आने के लिए। हालोंग बे से हम लोग निकले हैं, अभी हनोई आएंगे, हनोई जा रहे हैं और हनोई से फिर एयरपोर्ट पे जाएंगे। वहाँ से तो फ्लाइट है हम लोगों की रात में और निकलेंगे इंडिया के लिए। तो यहाँ का जो भी इंतज़ाम था, जो भी प्रोग्राम था, बहुत अच्छा। हम लोग काफ़ी इंजॉय किए और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जहाँ कहीं भी ये ट्रिप मिलेगा या टूर होगा, तो हम तो हमारी पर्सनल राय यही है कि आप सब भी कोशिश करिए आने का, कभी भी मौका मिले उसको मिस ना करें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो दुनिया भर के लोग आते हैं और सभी की अपनी अपनी संस्कृति है और उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेंडली होते हैं लोग, बहुत ढंग से मिलते हैं। ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली भी उतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती होगी जितने अच्छी तरह से लोग ये लोग मिलते हैं। तो ऐसा होता है, कोई हेजिटेशन नहीं है किसी तरह का, कोई किंतु परंतु नहीं होता, हर तरह से सपोर्ट करते हैं लोग। तो ये बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है जो आप इसको लेकर के आप घर जाएंगे यहाँ से। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है कि आने वाले टाइम में जो कोई भी, जब कभी भी अगर इस तरह का मौका मिलता है, तो उस अवसर को लाभ उठाने का कोशिश किया कीजिए। क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है और हमारी कंपनी ने यह मौका दिया है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। तो थैंक यू दोस्तों।